डिसीजन थी या हमारा जो फैसला था, वो फैसला हालात ने हम पर थोपा है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने अगर सब भारतीय लोगों को वापस बुलाया तो शायद ठीक ही किया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बल्कि कई सौ ऐसे अफगान हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 20 साल जब हमने एम्बेसी दोबारा खोली, जब हमने कॉन्सुलेट खोले, तो उन्होंने हमारे साथ विश्वास किया हमारे पर। हमारे मीडिया में ये ज़्यादा उछाल हो रही थी कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। अगर आप देखें तो ये एक बिल्कुल कहानी थी। वहाँ तालिबान को अपना दबाने की कोशिश करेंगे तो शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है स्काई न्यूज़ में। आज हमारे साथ एम्बेसडर राकेश सूद जुड़े हैं। ये हमारे राजदूत रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे अफ़गानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर, भारत के दृष्टिकोण से भी और बाकी दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी। अम्बेसडर सूद, जब हम देखते हैं कि तालिबान का एक टेक ओवर हुआ है अफ़गानिस्तान में और कैसे अफ़गानिस्तान के हालात बिल्कुल बदल गए हैं, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए ये कितना चिंता का विषय है? देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय तो अवश्य है, क्योंकि जब पिछली बार तालिबान सरकार काबुल में थी या कंधार में थी तो उस समय हमने अपना दूतावास वहाँ बंद कर दिया था 1996 से, और हम उसके बाद जब तालिबान सरकार वहाँ से निकल गई थी 2001 के अंत में, तभी हमने वहाँ जाकर अपना दूतावास दोबारा से खोला था। तो इसलिए अब जैसा आप जानते हैं या जैसा देखने वाले सुनने वाले जानते हैं, फ़िलहाल हमने अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट से सारे हिंदुस्तानियों को, सारे भारतीय लोगों को हम वापस ले आए हैं। तो एक तरह से हमने अपनी प्रेजेंस जो है, इंडियन प्रेजेंस, समाप्त कर दी है। तो उस वजह से ये हमारे लिए चिंता का विषय अवश्य है, ख़ास तौर पर इसलिए कि अब अमरीका तो अफ़गानिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, यूरोपियन देश भी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, समुंदर पार बैठे हैं, पर हम तो इसी पड़ोस में रहते हैं, तो हमारे हम तो कहीं और जा नहीं सकते हैं, तो हमें तो यहीं रहना है। तो हमको तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना प्रेजेंस जो है वहाँ अपना अगर हमको देखना है, क्योंकि वहाँ जो कुछ होता है उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर पड़ता है। अम्बेसडर सूद, क्या आपका मानना है कि ये जो एक डिसीशन था कि हमने अपने कॉन्सुलेट बंद किए, फिर जो काबुल की एम्बेसी है फाइनली बंद की, और अब हमारा कोई भी इंडियन पर्सनल वहाँ नहीं है, तो क्या ये सही डिसीशन था या हमको शायद अपना काबुल में एम्बेसी को बंद नहीं करना चाहिए था? देखिए, जिस तरह के हालात थे, शायद हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमारा कोई तालिबान के साथ हमने कोई एंगेजमेंट या कोई हमने उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी नहीं किया था, ताकि हम उनसे एक तरह से ख़ुद एक असेसमेंट ले सकें कि क्या हमको वहाँ रहना चाहिए या नहीं। तो एक तरह से हमारी जो डिसीजन थी या हमारा जो फैसला था, वो फैसला हालात ने हम पर थोपा है, और क्योंकि हमारे पास और कोई और हमारे पास साधन नहीं था, तो इसलिए इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि सरकार ने अगर सब भारतीय लोगों को वापस बुलाया तो शायद ठीक ही किया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और अगर हमारे पास उस किस्म की कोई एश्योरेंस नहीं थी तो फिर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। अम्बेसडर सूद, जैसा आपने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं रही है तालिबान के साथ, तो इस पर भी बहुत से लोगों ने एक टिप्पणी की है कि शायद भारत को तालिबान से बातचीत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, शायद भारत ने ये जो प्रोसेस है हमने बहुत लेट शुरू किया। आपका क्या मानना है कि तालिबान से हमको बातचीत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, क्या भारत लेट हो गया है, और अब जब हम फाइनली रीच आउट कर रहे हैं तो क्या सक्सेस के चांसेस कितने हैं? अब मैं ये जानता नहीं हूँ कि अब हम रीच आउट कर रहे हैं या नहीं, पर हाँ ये है कि
के बहुत सारे देश थे। देखिए 2013 में तालिबान ने अपना दफ्तर दोहा में खोला और दुनिया भर के जर्नलिस्ट और बहुत देशों के डिप्लोमेट आकर दोहा में उनसे मिले। कई देशों ने तो इसके अंदर एक पीस प्रोसेस शुरू करने की एक पहल भी की, मतलब एक मॉस्को प्रोसेस शुरू हो गया, एक इस्तांबुल प्रोसेस शुरू हो गया, पाकिस्तान ने एक क्वाड्रिलैटरल ग्रुप शुरू किया था, एक काबुल प्रोसेस शुरू हो गया। तो हम कई जगह गए, हम भी इन कॉन्फ्रेंसेस में गए, पर यह है कि कई देशों ने तालिबान के साथ एक इंडिपेंडेंट चैनल कम्युनिकेशन के खोले। मुझे लगता है कि हमने वो नहीं किया है, शायद हमको करना चाहिए था। हो सकता है कि हम उसके बावजूद भी हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते कि शायद हमको एम्बेसी बंद करनी चाहिए, या हो सकता है हमारा कोई और निष्कर्ष होता। अब ये तो क्योंकि ये हम किया नहीं है तो ये तो एक अटकल लगाने वाली बात है, पर हाँ ये सोच कर कि भाई अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका तो जा सकता है क्योंकि वो 10,000 किलोमीटर दूर है, पर हमने अगर इसी पड़ोस में रहना है तो हमारा एक और दायित्व बनता है, हमारी एक और परेशानी बन सकती है, तो उसको सुलझाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। अम्बेसडर सूद, क्या आपका मानना है कि जो हमने देखा है कि पिछले एक दो दिन में जो अफगान सिख और हिंदू भारत आए हैं, तो इससे क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले 20 साल हमने एक देखा कि जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे, पर शायद वो सिलसिला अब तालिबान के आने से ख़त्म हो गया है और ये जो सिख हिंदू पॉपुलेशन है उनका भी जो हम कहते हैं एक सिविलाइजेशनल वहाँ रहना था, उस चीज़ को क्या हम ख़त्म माने या आगे होप हो सकता है कि फिर से अफ़गानिस्तान ये लोग लौट सकते हैं किसी टाइम? देखिए वहाँ अफ़गानिस्तान में हिंदू और सिख लोग जो हैं वो पहली दफ़ा वापस नहीं आए हैं। वो जो उनकी पॉपुलेशन में जो उनकी पॉपुलेशन थी आज से 20 साल पहले, वो तब से वहाँ से आते रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर एक तरह से लड़ाई जो है वो करीब 40 साल से ज़्यादा पुरानी है। तो जब वहाँ पे अस्थिरता बढ़ी थी आज से 40 साल से ज़्यादा पहले, जब 1973 के अंदर वहाँ पहले कू हुआ था, 1989 में वहाँ पर सोवियत यूनियन ने इंटरवेंशन किया था और उस समय से जो डिस्टरबेंस चल रहा है, और फिर उसके बाद मुजाहिदीन आए थे 1992 में, और फिर उसके बाद 1996 में तालिबान आए, उसके बाद 2001 में अमरीकन आए, तो अगर आप देखें तो इस सारे दौरान वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो रेफ्यूजी बने, करीब 50 लाख से ज़्यादा आबादी जो थी वो बाहर गई, और उसमें जो हिंदू और सिख थे उसमें से कुछ हिंदू और सिख इंडिया आए और कुछ यूरोप और कनाडा और अमेरिका गए। तो हाँ तालिबान के साथ क्योंकि वो एक सुन्नी हनाफी इस्लामिक वेरिएशन को मानते हैं तो इसलिए उससे और ज़्यादा हुआ कि अब शायद हिंदू और सिखों का यहाँ रहना कठिन होगा, तो इसलिए अब वहाँ से हिंदू और सिख आए हैं। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान की जिम्मेवारी सिर्फ भारतीय नागरिकों के प्रति या हिंदू और सिखों अफगानों के प्रति नहीं है, बल्कि कई सौ ऐसे अफगान हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले 20 साल जब हमने एम्बेसी दोबारा खोली, जब हमने कॉन्सुलेट खोले, तो उन्होंने हमारे साथ विश्वास किया हमारे पर और हमारे मदद की ताकि हम अपने प्रोजेक्ट वहाँ चला सकें। उनके बिना हम अपने प्रोजेक्ट नहीं चला सकते थे। हमारी एक जिम्मेवारी उनके प्रति भी है, और अगर उनको और उनके परिवारों को कोई ख़तरे का अंदेशा है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अगर ज़रूरत पड़े यहाँ लाना पड़े, हिंदुस्तान लाना पड़े, चाहे वो दूसरे मज़हब के हों, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू और सिख ना हों, वो भी हमारी जिम्मेवारी है।
अम्बेसडर सूद, तालिबान के टेक ओवर को लेकर और अफगानिस्तान के हालात को लेकर पाकिस्तान पर बहुत चर्चा बनी है और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान अब रीजनली हम देखें तो भारत से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और थोड़ा ये भी एनालिसिस हुआ है कि शायद पाकिस्तान को आतंक करने का जो एक मौका है वो ज़्यादा मिलेगा। क्या आप इस व्यू पॉइंट से सहमत हैं? देखिए, ये हमारे मीडिया में ये ज़्यादा उछाल हो रही थी कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। अगर आप देखें तो ये एक बिल्कुल कहानी थी, क्योंकि पाकिस्तान को किसी ने आइसोलेट नहीं किया था। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया था, सिर्फ इसलिए कि हमने सार्क समिट नहीं होने दिया पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो जाता है। अब पाकिस्तान इसलिए इन्वॉल्व है और रूस ने उसके साथ अपने रिश्ते बढ़ाए हैं, चीन तो उनके साथ उनका पुराना संबंध है, अमेरिका ने उनके साथ रिश्ते बढ़ाए हैं, ईरान के उनके रिश्ते बढ़े हैं, तो अब ये क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि तालिबान जो है वो उनके प्रति उसका क्या रवैया रहता है। अगर तो पाकिस्तान वहाँ तालिबान को अपना दबाने की कोशिश करेंगे तो शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे, और पिछली बार भी हमने ये देखा था कि जब वहाँ तालिबान गए थे पाकिस्तान ने उनको दबाने की कोशिश की थी तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे, और उसके बाद टेररिज्म पाकिस्तान में भी बढ़ा है तो हो सकता है फिर बढ़ने की भी अपेक्षा हो सकती है। पर ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि एक तो पाकिस्तान का रवैया तालिबान के प्रति क्या रहता है और दूसरा ये तालिबान जो है वो कितना फंडामेंटलिस्ट है। अम्बेसडर सूद, जैसे आपने चीन का मेंशन किया और हमने देखा है कि चाइना काफ़ी रीच आउट कर रहा है तालिबान को, हमने ये भी देखा कि जुलाई के मंथ के एंड में तालिबान का एक डेलीगेशन भी गया है चीन और चीन ने ये भी कहा है कि वो इकोनॉमिकली तालिबान को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो एक चीन का एक जो हम कहते हैं एक पार्टिसिपेशन हो रहा है या चीन आगे बढ़ के आ रहा है अफ़गानिस्तान में, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, चीन अब एक मेजर पावर बन गया है और चीन ने शुरू से कहा है कि वो चाहता है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से निकले। रूस ने भी यही कहा है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से निकल जाए, तो इसलिए अब जबकि चीन अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया है तो उसके बाद वहाँ पर चीन का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के जो तालिबान के साथ संबंध हैं, चीन उसका फ़ायदा उठाकर अपना इन्फ्लुएंस अपने रीजन में बढ़ाना चाहता है, और ये मैं समझता हूँ कि हमको इसमें ये तो ज़ाहिर है कि वो ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी देश जब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो वो अपने दोस्तों के थ्रू उनकी मदद लेकर वहाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो इससे मास्टर सूद हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान का पोजीशन फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने पाकिस्तान और चीन के रिश्ते को सीपेक अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते देखा है, तो क्या ये भारत के लिए एक और चैलेंज हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान को लेकर भी हम एक स्ट्रेंथ देखते हैं चीन और पाकिस्तान में? देखिए, चीन और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो आज से करीब 50 साल पुराने हैं, संबंध तो उससे ज़्यादा पुराने हैं, पर 50 सालों से चीन और पाकिस्तान के संबंध और दृढ़ होते गए हैं, और हमने देखा है कि पहले सुरक्षा के क्षेत्र में, न्यूक्लियर क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में, मिसाइल क्षेत्र के अंदर उन लोगों का काफ़ी सहयोग, पाकिस्तान को चीन से बहुत सहयोग मिला। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू किया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीपेक जिसका आपने जिक्र किया। अब चाइना जो है वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है जिसमें सेंट्रल एशिया के देश भी शामिल हैं और भी बहुत सारे देश शामिल हैं, और उसमें ईरान के साथ भी उन्होंने एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। तो जाहिर है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर थोड़ी स्थिरता आती है, और ये ज़रूरी बात है, अगर स्थिरता आती है, अगर स्टेबिलिटी आती है, अगर वहाँ अमन कायम होता है तो चीन वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, पर अगर स्थिरता नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ चीन इन्वेस्टमेंट करेगा।
अम्बेसडर सूद, आपने स्थिरता की बात की, स्टेबिलिटी की बात की। जब आप तालिबान का रवैया देखते हैं, ये कैसे आए हैं, और हमने ये भी देखा है कि काबुल में इन्होंने जब टेक ओवर किया है तो ब्लडलेस कू जिसको कहा जा रहा है, क्या आप उम्मीदवार हैं कि जो हम तालिबान का अब रूल देखेंगे वो शायद पहले वाले तालिबान से अलग होगा, शायद हमको इसमें थोड़ा ज़्यादा इनकी थोड़ा जैसे इनकी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, या हमको कुछ कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे पिछले तालिबान के रूल से? देखिए, अभी ये कहना कठिन है क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी तो नहीं बदली है। हाँ, क्योंकि अब ये जो तालिबान है ये पिछले 15-20-10 सालों से ये लोग दोहा में बैठे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, सोशल मीडिया से भलीभांति परिचित हैं, टेलीविज़न में इंटरव्यूज़ देते हैं, तो एक तरह से उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा समझदार हो गई है। अब कहने को तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम औरतों के अधिकारों को मान्यता देंगे जो कि शरिया के अनुसार हों। अब वो शरिया की क्या इंटरप्रिटेशन है तो ये कहना बहुत मुश्किल है। भारत के लिए अगर आप कहते हैं कि आगे चल के अफ़गानिस्तान में उनको कैसा स्ट्रेटजी करनी चाहिए, तो आपके ख्याल में अगर आप कहें कि ये दो या तीन पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हमारी अफ़गानिस्तान की जो आगे चल के स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है किस तरह भारत आज अफ़गानिस्तान को अप्रोच करे, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल गए हैं? देखिए, स्ट्रेटजी जो है वो तब होती है जब आपके पास ऑप्शंस हों, तो आप अलग अलग ऑप्शंस को देख सकते हैं, देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को तरफ अगर हम जाएं तो हमारे को ये फ़ायदा है, ये रिस्क है, दूसरी ऑप्शन में जाएं तो उसमें ये फ़ायदा है, ये रिस्क है, और उसके अनुसार आप चुन सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ वेट एंड वॉच की यही ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हमने हमारे जो सारे जो बुनियादी हमने अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं पुटिंग ऑल आर एग्स इन वन बास्केट, तो हमने वही किया। मतलब हम अमरीकनों के ऊपर निर्भर थे और जो काबुल की जो सरकार थी प्रेसिडेंट अशरफ घानी की, उसके ऊपर निर्भर थे। अब अमरीकन ना अमरीकन रहे वहाँ पर और ना प्रेसिडेंट अशरफ घानी की सरकार रही, तो इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, यानी कि अब हम वेट करें, देखें क्या होता है आगे, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। अम्बेसडर सूद, आखिर में ये जो हम नर्दर्न अलायंस का सुन रहे हैं कि अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं या जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग इकट्ठे हुए हैं पंजशीर में और एक रेजिस्टेंस का नाम दिया जा रहा है तालिबान के अगेंस्ट, कितना आपको लगता है कि ये एक्चुअली कुछ तालिबान के अगेंस्ट रेजिस्ट कर पाएंगे, या इनमें दम है, या ये शायद मुमकिन नहीं है इस स्टेज पर और हम तालिबान का ही रूल देखें अफगानिस्तान में? अब देखिए, पिछली बार भी जब नॉर्दर्न अलायंस थी तो उसको सपोर्ट करने के लिए तीन देशों ने उनकी मदद की, रूस ने, ईरान ने और इंडिया ने। अब कि मुझे ये नहीं लगता है कि रूस और ईरान इसमें दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तालिबान के साथ अपने लिंक्स और कम्युनिकेशन लगाया है। तो इसलिए अव्वल तो बाकी दोनों हैं नहीं, सिर्फ इंडिया सोच सकता है। दूसरा, पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस की जो टेरिटरी थी वो पंजशीर वैली से उन्होंने उत्तर की तरफ ताजिक बॉर्डर के पास कंट्रोल में थी, तो यानी जो भी मदद दी जाती थी वो बॉर्डर के पार आकर नॉर्दर्न अलायंस को पहुंच जाती थी। अब की तालिबान ने सारे बॉर्डर जो हैं वो उन पे पहले काबू कर लिया है, तो इसलिए आज के हालात में बाहर से किसी किस्म की मदद पहुंचाना नॉर्दर्न अलायंस को मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा। और आज की बातचीत का सिलसिला हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके साथ हम अम्बेसडर राकेश सूद का धन्यवाद करते हैं।